ओम शांति आज की तारीख है तीस चार तेईस और आज हम सुनेंगे फिर से प्राण प्यारे अव्यक्त मूर्तधारी अव्यक्त बाप दादा की ज्ञान मुरली रिवाइज़ कोर्स की मुरली की तारीख है सत्रह ग्यारह चौरानवे नाइन्टी फोर की मुरली है और आज की इस ज्ञान मुरली का शीर्षक है हर गुण व शक्ति के अनुभवों में अर्थात स्वयं को खुश नसीब समझना या खुश नसीब बनना आज प्यार के सागर कौन है प्यार का सागर मीठे मीठे परम पिता परमात्मा शिव बाबा तो प्यार के सागर बाप दादा अपने प्यार स्वरूप बच्चों से मिलन मना रहे हैं। बाप का भी प्यार बच्चों से अति है और बच्चों का भी प्यार बाप से अति है कि ये प्यार की डोर बच्चों को भी खींच कर लाती है और बाप को भी खींच कर लाती है बच्चे जानते हैं कि ये परमात्म प्यार कितना सुखदायी है हाँ वो तो हम सभी बच्चे हर पल अनुभव करते हैं अगर एक सेकंड भी प्यार में खो जाते हो तो अनेक दुखों को भूल जाते हो सुख के झूले में झूलने लगते हो ऐसा अनुभव है ना हाँ सभी को ऐसा ही अनुभव हुआ है ना बाप दादा देख रहे हैं कि दुनिया के हिसाब से आत्माएं कितनी साधारण है लेकिन भाग्य देखो कितना श्रेष्ठ है जो सारे कल्प में चाहे कोई धर्मात्मा हो महान आत्मा हो लेकिन ऐसा श्रेष्ठ भाग्य न तो किसी को प्राप्त है न हो सकता है तो अति साधारण और अति श्रेष्ठ भाग्यवान तो बाप दादा को साधारण आत्माएं ही पसंद है क्यों तो बाप दादा को हम बच्चे पसंद है क्यों बाप स्वयं ही साधारण तन में आते हैं कोई राजा के तन में या रानी के तन में नहीं आते है। कोई धर्मात्मा व महात्मा के तन में भी नहीं आते बाप स्वयं तो साधारण तन में आते हैं परंतु बाप के पास जो बच्चे आते हैं वो भी कैसे आते हैं साधारण ही आते हैं आज का करोड़पति भी साधारण है सोचो आप सतयुग के देवी देवताएं कितने धनवान होंगे तो बाबा कहते आज का करोड़पति भी साधारण है साधारण बच्चों में भावना है और बाप को भावना चाहिए कहते ना भगवान भावना का भूखा है तो साधारण बच्चों में बड़ी भावनाएं होती हैं तो बाप को भावना चाहिए देहवान वाले नहीं चाहिए जितना बड़ा होगा उतना भावना नहीं होगी लेकिन भान होगा तो याद प्यार देते हुए बाप दादा बोले चारों ओर के सर्वश्रेष्ठ भाग्य विधाता के भाग्यवान आत्माओं को सदा मन जीत जगत जीत के निश्चय और नशे में रहने वाले सदा हर गुण शक्ति और ज्ञान की अनुभवी आत्माएं, सदा बाप को साथ रखने वाले कंबाइंड स्वरूप आत्माएं सदा श्रेष्ठ भाग्य की लकीर को सहेज श्रेष्ठ बनाने वाले ऐसे अति समीप और श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते वरदान सतगुरु बाप दादा का की वाणी और मनसा वाणी और मनसा दोनों से एक साथ सेवा करने वाले सहज सफलता मूर्त भव तो मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं कि वाचा के साथ साथ संकल्प शक्ति द्वारा सेवा करना यही पावरफुल अंतिम सेवा है जब मनसा सेवा और वाणी की सेवा दोनों का कंबाइंड रूप होगा तब सहज सफलता होगी इससे दुगुनी रिजल्ट निकलेगी वाणी की सेवा करने वाले तो थो थोड़े होते हैं बाकी रेख देख करने वाले दूसरे कार्यों में जो रहते हैं उन्हें मनसा सेवा करनी चाहिए इससे वायुमंडल योग युक्त बनता है हरेक समझे कि मुझे सेवा करनी है तो वातावरण भी पावरफुल होगा और सेवा भी डबल हो जाएगी स्लोगन है सदा एक रस स्थिति के आसन पर विराजमान रहो तो अचल अडोल रहेंगे ओम शांति